जयपुर के मालवीय नगर में नगर निगम ग्रेटर की ओर से बच्चों के लिए मस्ती की पाठशाला के तहत निशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें 5 से 15 साल के करीब 200 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिन्हें विभिन्न विधाएं सिखाई जा रही हैं। कैंप में आज यातायात पुलिस और निर्भया स्क्वाड की टीम ने आत्मरक्षा के गुर सिखाए। शिविर में निगम आयुक्त रुक्मणी रियाड ने भी भाग लिया। बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी है तो ये प्रयास किया गया कि हमारे हर जोन के जो बच्चे हैं वो यहाँ आ सकें। सुबह 8:30 से 11 बजे ये कार्यक्रम जो है मस्ती की पाठशाला हम सब अपने निगम के जोन में ये कर रहे हैं। हमारे जो सामुदायिक केंद्र है ये काम हम वहीं पे कर रहे हैं और हम इनकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें हमने हर प्रकार की जो सीख देने का प्रयास किया है, चाहे उनकी हॉबीज़ डेवलप करना हो, जैसे पेंटिंग है, डांस है, और अच्छी चीज़ों के बारे में सीखना हो, जैसे सफाई कैसे रखते हैं, अपना जो शहर है उसको स्वच्छ बनाने में बच्चे योगदान कैसे दे सकते हैं, सेल्फ डिफेंस के बारे में भी उनको जानकारी दी जा रही है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल जो निगम क्षेत्र है उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बेटर यूटिलाइज करने के लिए। मस्ती की पाठशाला हमने कम्युनिटी स्टूडेंट्स के लिए, कम्युनिटी चिल्ड्रन के लिए एक समर कैंप रखा है। गर्मियों में अक्सर पेरेंट्स को भी समझ नहीं आता बच्चों को क्या करवाएं और सभी बच्चे समर कैंप्स नहीं ज्वाइन कर सकते, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए समर कैंप है, जिसमें कुछ हम एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं जैसे डांस, थिएटर, पेंटिंग, इस टाइप की एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ, इस मस्ती के साथ साथ हम उनको हर रोज़ का एक एजुकेशनल सेशन दे रहे हैं। पहले हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, निर्भया स्क्वाड के द्वारा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और गुड टच बैड टच, क्लेनलीनेस, ये सारे सब्जेक्ट्स हम उसमें कवर कर रहे हैं।